आपको मेघना प्रेजेंट है। मेघना बेटा आपके पेपर में बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चंस देंगे ना, तो एक बार आप इसे देख लो। कृतिका आ गई, ठीक है। बाकी कौन कौन बच्चे आएंगे देख लेते हैं, बाकी हम स्टार्ट करते हैं, बच्चे आते रहेंगे, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं। बेसिकली क्या होता है का जो स्टेट चेन जो स्ट्रक्चर है, जो अभी आपको मैंने बताया था स्टेट चेन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जिसे आप एलिफेटिक चेन कह सकते हो, एलिफेटिक जो कंपाउंड है वो कुछ कुछ रिएक्शंस को दिखा दिया। यहाँ पे आपने देखा काफी सारे रिएक्शंस उसे दिखा, फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप का प्रेजेंस होते हुए भी ये कुछ कुछ रिएक्शंस को नहीं शो करता है। जैसे स्किप बेस टेस्ट होता है उसको शो नहीं करता है, 2,4-DNP टेस्ट को नहीं दिखाता है, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड टेस्ट को ये पॉजिटिव नहीं दिखाता है। तो कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जो ये प्रॉपर नहीं शो करता है, और ये मुझे ये बताता है कि अगर इसके पास एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है और फिर भी ये रिएक्शंस नहीं दिखा रहा है कुछ कुछ कंपाउंड के साथ, इसका मतलब है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें कि उसका एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप स्लाइटली बंध चुके हैं, फ्री नहीं हो पा रहे हैं। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या रिवील करता है, ऐसा आपको पूछा जाएगा। हाउ व्हाट आर द रिएक्शंस दैट टेल्स अस अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और दैट कैनॉट बी शोन बाय द स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें क्या आपको लिखना है, सीधा मैं आपको कुछ लिख देती हूँ। डिस्पाइट ऑफ हैविंग राइट आउट, डिस्पाइट ऑफ हैविंग फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप ग्लूकोज doesn't show 2,4-DNP test, actually 2,4-DNP test क्या है, ये बड़ा interesting test है, ठीक है, और ये important भी है, 2,4-DNP test आता है, but आपने अभी aldehyde ketone तो पढ़ा है नहीं, तो aldehyde ketone में ये सारे test आएंगे, 2,4-DNP test आएगा, skip test आएगा, skip base test आएगा, आपका sodium hydrogen sulfide test आएगा, तो ये सारे test कहाँ पे पढ़ोगे, aldehyde ketone में पढ़ोगे आप, तो अभी के लिए तो आप एटलीस्ट लिख दो इसे, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग फ्री एल्डिहाइड इन कीटोनिक ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4-DNP टेस्ट, स्किप बेस टेस्ट NaHSO3 टेस्ट, NaHSO3 टेस्ट ठीक है। तो फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप के होने के बाद भी ये टेस्ट नहीं दिखाता है, इट कंफर्म्स अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कंफर्म्स अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बताता है। और ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब मैं आपको बताती हूं कि ये बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसके, ग्लूकोज के, ग्लूकोज के क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये। ग्लूकोज को जब मैं हीट करती हूँ 303 केल्विन में, जब मैं हीट करती हूँ तो वो अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब मैं इसको 371 केल्विन पे हीट करती हूँ, 371 केल्विन पे हीट करती हूँ तो ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दिस टू आर एनोमर्स, एनोमर्स का मतलब होता है अगर कहीं पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप में OH और H ग्रुप में ओरिएंटेशन बदल जाता है, तो अगर वो फर्स्ट कार्बन पे बदलता है तो हम उसे क्या कहते हैं,
एनोमर्स कहते हैं, तो दिस टू आर एनोमर्स। कहां से बनता है? ग्लूकोज से बन के आता है। जब मैं इस पर टेम्परेचर देती हूँ तो ये अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अभी कैसे बनता है अभी आपको मैं बताऊंगी। और ये कैसे पता चला कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पता कैसे चलता है? बिकॉज ये सारे टेस्ट ये शो नहीं करता है, और मुझे इससे पता चलता है कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पॉसिबल है। अब मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर पे लेके चलती हूँ। तो ये अगर आपने लिख दिया है तो इसे मैं रब करूँ। वेट, हाँ लिखो लिखो मैम, ये एक बार फिर से समझा दो। अच्छा मैं आपको समझा देती हूँ। देखो कृषा, अभी मैंने आपको जो रिएक्शंस पढ़ाए थे इससे पहले, आपने स्ट्रेट ग्लूकोज चेन के साथ पढ़ा था सारा रिएक्शंस? यस मैम। ठीक है, तो और आपको काफी सारी चीजें वो रिवील भी कर रहा था, धीरे कंफर्म करके करते 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 जा रहा था। यस, ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स 100% दिखाते हैं। 100% एल्डिहाइड अगर है तो 2,4-DNA टेस्ट दिखाएगा पक्का। स्किप बेस टेस्ट हर एक एल्डिहाइड कीटोन दिखाते हैं, और NaHSO3 टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये हर एक एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप दिखाते हैं, बट ग्लूकोज शो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रेट चेन में कई बार नहीं होता है, और ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। साइक्लिक में क्या होता है ना, कीटोन और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो बंध जाते हैं बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और जब बंध जाते हैं तो ये जो बहुत जो टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये शो नहीं करता है ग्लूकोज। ओके मैम, ठीक है। आप क्या लिखोगे? ग्लूकोज प्लस 2,4-DNP टेस्ट, नो रिएक्शन। ग्लूकोज प्लस स्किप बेस टेस्ट, नो रिएक्शन। ग्लूकोज प्लस NaHSO3 टेस्ट, नो रिएक्शन। इसका मतलब है देयर मस्ट बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज, नहीं तो दिखाता। अगर स्टेट चेन में होगा तो दिखाता। अच्छा अब हम चलते हैं, इफ दिस इज डन। दीपाली हो गया? यस मैम। अच्छा आपको मैं लेके चलती हूँ अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या। अरे बहुत कम बच्चे हैं बेसिकली, मैं वही सोच रही हूँ आपको कि आज बताऊं या अगली क्लास बताऊं, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, या फिर आज की क्लास यहीं पे रहने दें। ओके मैम। 7 तो बज चुका है, 7:05 देख लो, क्लियर है ना? ठीक है, डन है। ये मेरा ग्लूकोज है। अच्छा ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? आपको मैंने कल बताया था डी प्लस ग्लूकोज। यस मैम। क्यों कहा था? ये भी बताया था कि ये डी प्लस ग्लिसरल डिहाइड को रिजेंबल करता है। इसका नीचे का पोर्शन जो है वो डी प्लस ग्लिसरल डिहाइड को रिजेंबल करता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। जहाँ पे जो डी है वो कॉन्फिगरेशन को बताता है, वो डेक्स्ट्रो नहीं है, पर ये जो प्लस है ये डेक्स्ट्रो है। गॉट द पॉइंट? आपको आप बच्चे क्या सोचते हैं कि डी को डेक्स्ट्रो मान लेते हैं, डी डेक्स्ट्रो नहीं है, वो कॉन्फिगरेशन को बताता है, और ये जो प्लस है ये क्या है, ये डेक्स्ट्रो को बताता है। दिस इज फॉर कॉन्फिगरेशन फॉर डेक्स्ट्रो। मैम ये जो डी प्लस है यही बताता है ना कि डेक्स्ट्रो है? हाँ ये डी प्लस नहीं, प्लस बताता है डेक्स्ट्रो को, डी बताता है कॉन्फिगरेशन को, बताता है कि ये ग्लिसरल एल्डिहाइड को रिजेंबल करता है। डी का मतलब ये है, अगर मैं इस दोनों को उल्टा कर दूंगी ना एल माइनस एल हो जाएगा, एल हो जाएगा, माइनस होना जरूरी नहीं है, लीवो है। हाँ आप उसे एल माइनस कह सकते हो, बट ये जो कन्फर्मेशन है वो डी जो था वो एल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अल्फा डी आपका डी प्लस ग्लूकोज का मतलब यही होता है। ये फर्स्ट, ये कौन सा कार्बन आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन पे ओरिएंटेशन को हम चेक करके बताते हैं। फिफ्थ कार्बन ये फिफ्थ तो होगा ना, 1, 2, 3, 4 फिफ्थ एंड सिक्स, तो ये फिफ्थ कार्बन है। तो फिफ्थ कार्बन का जो ओरिएंटेशन है वो मुझे बताता है डी है या एल है। अगर ऐसा है ओरिएंटेशन तो हम उसे डी कहते हैं, अगर उल्टा हो जाएगा तो हम उसे एल कहते हैं।
सो बेसिकली दिस इज माय डी प्लस ग्लूकोज. अब हम चलते हैं कहाँ पे कि अल्फा डी कैसे बनेगा और बीटा डी कैसे बनेगा. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या होता है जब मैं इसको हीट देती हूँ, क्या देती हूँ, हीट करती हूँ, तो क्या होता है यहाँ पे टूटता है मॉलिक्यूल. कैसे टूटता है देखो, इसको हटा दो, इसको आप कंफ्यूज मत हो. हाँ, अल्फा डी एंड बीटा डी, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे ये सिक्स्थ फिफ्थ कार्बन पे काम चलता है. इसका और इसका काम चलता है कैसे होता है, हीट देने के बाद क्या होता है, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा ऑटोमेटिक. अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस और ये प्लस होगा कि नहीं होगा, बोलो. यस मैम, होगा. यस मैम. और अगर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटा तो वो ऑक्सीजन में जाएगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस आएगा. यही तो होता है हर एक बॉन्ड में, जब डबल बॉन्ड टूटता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ तो वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वहां पे माइनस और प्लस बनेगा. अब क्या होगा, H प्लस किसके साथ जुड़ेगा जाके, O के साथ जुड़ेगा, माइनस. तो ये हो जाएगा OH हो जाएगा, यहाँ पे H जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा. और ये जो दूसरा O है ये किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि प्लस है, कार्बन प्लस में है. तो कॉन्फिगरेशन कैसे बनता है देखो, ये बनता है कॉन्फिगरेशन ऐसे. तो मैम ये इसमें अल्फा डी और बीटा डी का मतलब क्या होता है, मैं भी बताती हूँ, अभी बनाया नहीं है, तो पूरा बनाने के बाद बताऊंगी आपको. देखो मैंने क्या करा है, जब मैंने ग्लूकोज को डी प्लस ग्लूकोज को 303 केल्विन पे मैंने जब हीट करा तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये ऑप्टिकली कंपाउंड है ना, तो हमारे पास अभी कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड नहीं है कि मैं अभी जज कर दूं ना, तो हमें जो अब स्ट्रक्चर मिलता है हम उसे मान लेना पड़ता है कि हाँ यही स्ट्रक्चर बना होगा, क्योंकि हम खुद बना के भी देख नहीं सकते. तो 303 केल्विन पे हीट करने पर क्या होता है, यहाँ पे CHO ग्रुप है जिसमें ये टूटता है, ऑक्सीजन माइनस और सी प्लस में जाता है. बेटर होता थोड़ा ऑफलाइन क्लास में ये सब, बट कोई बात नहीं, आई होप कि आप थोड़ा समझ जाओगे, नहीं तो फिर ऑफलाइन क्लास में दोबारा समझा दूंगी. ठीक है. बाकी यहाँ पे टूटा है O माइनस और H प्लस, तो साफ दिख रहा है अगर यहाँ पे टूटा तो H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास. देखो ये OH बन गया, इस साइड बना है, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ के मैंने यहाँ पे इस साइड डाल दिया, चलेगा. क्योंकि हमारा ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है और इस सिक्स्थ कार्बन है ना, ये चार ग्लूकोज तो छह कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हो गया, सिक्स कार्बन. अब क्या किसके साथ गेम चल रहा है मेरा, फर्स्ट कार्बन का सब कुछ हो रहा है. तो ये फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है और सिक्स्थ कार्बन है. तो किसका हो रहा है, फर्स्ट कार्बन का, फर्स्ट कार्बन पे आपका रिएक्शन दिख रहा है और फिफ्थ कार्बन पे भी रिएक्शन दिख रहा है. अब क्या हो गया, ये एच चला गया ऑक्सीजन के पास, OH बना दिया. ठीक है, ये OH मैंने यहाँ पे डाल, इसको मैंने सिंगल बॉन्ड बना के कार्बन का जो OH ग्रुप है मैंने इस तरफ डाल दिया. बाकी H यहाँ पे ऑलरेडी है तो इस H को मैंने इस तरफ डाल दिया. बाकी क्या हुआ, ऑक्सीजन जाके जुड़ता है इस कार्बन प्लस के साथ, ऑक्सीजन को मैंने जोड़ दिया. देखो ऑक्सीजन को मैंने जोड़ा है कार्बन के साथ. यस मैम. यस मैम. ये ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन को मैंने कहाँ पे जोड़ा है जाके, ऑक्सीजन को मैंने जोड़ दिया है इस कार्बन के साथ जोड़ दिया है. आपको थोड़ा स्ट्रक्चर को लर्न करना पड़ेगा, एक दो बार बनाओगे तो हो जाएगा. इससे मुझे अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है. अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज बनाने के बाद आपको बताऊंगी कि इन दोनों में क्यों डिफरेंस होता है, अल्फा डी और बीटा डी में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली.
अल्फा डी ग्लूकोज क्यूब कैसे बनता है, इस तरीके से अगर मैं बनाऊंगी तो ये अल्फा डी ग्लूकोज बनता है। ध्यान रहे जब आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन के साइड में ही OH को डाल देना, OH को ऑक्सीजन के साइड में ही दिखा देना आप, और हाइड्रोजन को दूसरे साइड डाल देना। इसके बाद बीटा डी जब बनता है तो बीटा डी में क्या होता है, देखो बीटा डी का जो स्ट्रक्चर बनता है सेम थिंग ऑपस, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको सिमिलर बनाना है। डिफरेंस कहाँ पे मिलता है बीटा डी ग्लूकोज में, OH और H का ओरिएंटेशन बदल जाता है, दैट्स ऑल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज। खाली फर्स्ट कार्बन पे ओरिएंटेशन बदल जाता है, तो आप ही मुझे बताओ ये बीटा डी ग्लूकोज है। यस मैम। मैम एक बार दोबारा समझा देना, पूरा बताऊंगी अभी आपको। इसको कैसे बनता है, जब मैं ग्लूकोज को 371 केल्विन पे मैं हीट करती हूँ तो मेरा बनता है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कोई डिफरेंस नहीं है, कहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है, कार्बन, खाली फर्स्ट कार्बन के ओरिएंटेशन या रोटेशन पे आपको थोड़ा सा लग रहा है। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH ग्रुप रखा था, बट बीटा डी में वही फर्स्ट कार्बन पे आपने OH को दूसरे साइड रख दिया और हाइड्रोजन को उस तरफ ले लिया। दिस इज द डिफरेंस एंड यू हैव टू सिंपली लर्न दिस। क्यों का मतलब यहाँ पे है ही नहीं कुछ, क्यों है ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, बिकॉज दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एक बार अगर रोटेशन बदल जाता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी वहां पे बदल जाती है। आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ बेटे हाँ बोलो, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए आपको ये पता है ना कि ओरिएंटेशन बदलने पर कितना डिफरेंसेस आ जाता है, बहुत ज्यादा। तो मैम ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं या अल्फा डी और बीटा डी? नहीं, ये एनेंशियोमर नहीं है, इसे कहते हैं एनोमर्स कहते हैं, प्रॉपर एनेंशियोमर्स नहीं है। हर जगह पे थोड़ी बदल रहा है, हर जगह पे बदल रहा है क्या, खाली एक तो मैम ये रीजन क्या है इसका, ये जो ऊपर HOH का पलटने का रीजन क्या है? टेंपरेचर, बिकॉज़ दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दीस आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओरिएंटेशन बदल गया तो बहुत कुछ फर्क में आ जाता है, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। And this is due to the difference in temperature. अब इसका melting point कितना होता है? 419 Kelvin होता है। अब इसका melting point कितना है? 423 Kelvin है। That means this is more stable, no? This is more stable, no? These are the crystalline form of glucose. ठीक है? और ये दोनों क्या है, अल्फा डी एंड बीटा डी आर, अल्फा डी एंड बीटा डी आर एनोमर्स। आप क्या लिखोगे एनोमर्स के लिए, बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे इनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, बाकी सारे सिमिलर होते हैं, सो दीज आर एनोमर्स। आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज। अभी एक्चुअली मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो इसीलिए मैं इसका एक पैरानो स्ट्रक्चर भी होता है, मुझे थोड़ा मेघना क्लियर है। अच्छा मेघना प्रेजेंट हो ना, मेघना? यस मैम। अच्छा मेघना तुमने अल्कोहल और हेलोएल्केन पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया? मैम हाँ मैम कर रही हूँ। कर रही हूँ ना, तो रात के कितने बजे क्लास रखी है आज मेरे, 9:45 को ना? यस मैम। ठीक है मैं क्लास दे दूंगी, जो आपको डाउट्स लग रहा है अल्कोहल और हेलोएल्केन से मुझे पूछ लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। एक्चुअली मेघना का अभी पेपर चल रहा है, ठीक है,